मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस कैसे आप सभी लोग और जो भी लोग प्ले आप सब इसमें सुबह टाइम हो रहा है 11:17 और अभी कंप्लेंट ऐसा है कि हम जा रहे हैं स्कूटी को लेके सर्विस पे। सो जाते हैं स्कूटी को सर्विस पे लेके जाना है आज, जो कि बहुत दिन से पेंडिंग था और पापा ने ऑफिस के ऑफ लिया है। सो आज लेके चलते हैं, वहाँ पर आकर दिखाता हूँ। फाइनली सर्विस सेंटर पहुंच चुका हूँ, स्कूटी कर दी है फिर पार्क, मतलब अंदर दे दिए। वेटिंग एरिया में वेट करते हैं कितना टाइम लगता है। सो गाइस मैं वेट ही कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अभी भीड़ नहीं थी। सो हाफ एन आवर और लगेंगे, सर्विस हमारी हो रही है। सो उसके बाद लेके चलेंगे स्कूटी। पापा कहेंगे जब स्कूटी लेके आएगा तब मैं ऑफिस जाऊँगा, सो स्कूटी लेके जाएंगे, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो ऑफिस चलते हैं वापस कर। इसलिए ब्रेकफास्ट कर लिया था, वहीं जाके लंच करेंगे। टाइम अभी हो रहा है 12:14। देखते कब तक सर्विस होती है। वेटिंग एरिया की हालत देख सकते हो, क्या हालत हो रखी है। सीट वेटिंग के लिए बड़े क्या गंदगी। कोई मेंटेनेंस नहीं है यार यहाँ पे। होंडा वालों क्या कर रहे हो यार, आप लोग इतने पैसे यार आप लोग इतने पैसे लेते हो उसके बाद भी आप सर्विस अच्छी नहीं देंगे तो लोग कैसे विजिट करेंगे आपके पास। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, लेकिन यहाँ पे चार बार आ चुका हूँ, हर बार ऐसे ही आने का फिर भी आता हूँ। काफ़ी डीप वर्ड्स है जो कि आप लोग समझ गए होंगे। कटे हुए हैं ये, कट रहे हैं रूल, देखो ये रूल भी कट रहा है, ये प्लेट भी कट रही है, देखो स्पिनिशन लाए आ रही है। इसके बाद जब आ रही है कटर कटर जो आ रही है, ये करस में ये चेंज हो गई तुम्हारी, ये ठीक है तुम्हारा। अच्छा ये ठीक है। अच्छा ये लगे एक कलर सूट लगे और एक ये बेल्ट डलेगी, ये प्लेट डलेगी और एक ये तुम्हारे, ये तो ज़्यादा बुरी हालत में कट रहे हैं रूल, देखो उस पर लाइन निशान देखो दिख रहा है बिल्कुल अलग ही कट रहे हैं। नीचे डल के ये सही है तुम्हारा पार्ट, तब सही हो जाएगा। हाँ ये भी सही है और ये भी सही है। सर्विस तो हो चुकी है, 1 बज गए, तो वॉशिंग के लिए गई है स्कूटी, वॉशिंग हो जाते हैं फिर चलते हैं वापस घर। सो गाइस हमारी स्कूटी बिल्कुल आ चुकी है चमकते हुए, सो अब चलते हैं वापस घर। तो बिल्कुल नई हो गई है स्कूटी, सो लेट्स गो। सीधा घर जाके मिलता हूँ आपसे। ऑलमोस्ट घर पहुँचने वाला हूँ और अभी याद आया कि हेलमेट लाना भूल गया हूँ, सो वापस जाना पड़ेगा। अब हेलमेट लेके आते हैं फिर वापस घर चलते हैं, पनौती लगती है हर चीज़ में। हम घर पहुँच चुके हैं और यहाँ पे क्या देखने को मिला है कि गोलू मस्त खाना खा रहा है हमारे बिना, क्योंकि इसको कोई मतलब ही नहीं है, दुनिया जाए बाहर में हम तो खाना खाने का मतलब। और यहाँ पर अपना तारक मेहता चला रखा बंद क्यों कर दिया, तारक मेहता चला रखा है और मस्त लगा है खाना खाने में, सो हम भी खाना खाते हैं। टाइम हो गया है 1:53, ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं, सो खाना खाते हैं हम, देखते हैं क्या है सीन आज का। गाइस यहाँ पे मम्मी खाना बनाने लगी आज, आज खाने में बन रहा है मटर पनीर, तो मम्मी यहाँ खाना बना रही है, हम लोग लड़ रहे हैं क्यों, लड़ाई वड़ाई नहीं करनी चाहिए कभी, कैमरे के सामने ऐसे बोलना बहुत अच्छा लगता
गाइस पता नहीं आजकल ठंड में क्या हो रहा है, रोज सर दर्द, बुखार, फीवर, गले में दर्द। सो अभी गोली मेरे सर में ऑयल लगा रहा है, सो ऑयल मसाज करते हैं। तो गाइस मैं ऊपर अपने रूम में आ चुका हूँ और ये नेट भी लगा लिया मैंने और पीसी करते हैं ऑन और वीडियो करता हूँ एडिट और इस वीडियो करता हूँ यहीं पे एड। और रुको रुको, वेट वेट, मैं सोच रहा हूँ कि एक बम फोड़ के वीडियो एंड करा जाए। सो एक बम फोड़ते हैं और वीडियो करते हैं एंड चलते हैं ऊपर। गाइस आप लोगों को मजा आया होगा, अगर वीडियो अच्छी लगी और हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल। बाय गाइस, बाय बाय। इस तरह की एंडिंग अगर अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं रोज इस तरह की एंडिंग करूंगा।